हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर लोकेट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा क्षेत्र जो है टर्की से लेके ये पूरा मिडिल ईस्ट में आता है। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा इन देशों को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे ये सीरिया है, यहाँ जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है, और इधर टर्की है। तो इनको थोड़ा सा लोकेशन देखना ज़रूरी है। और इधर इराक है, तो इनकी पास से लोकेशन देख लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा पिछले साल जो क्वेश्चन आया था कैसे आया था, उसको भी बताऊंगा। देखिए, ये पहला देश जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इजराइल है। इजराइल की राजधानी आपको पता है जेरूसलम, जो हमेशा विवादित रहती है, हमेशा विवादित रहती है। ये यहाँ पर जो है ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म तीनों ही एक तरह से आपस में विवाद का कारण है, क्योंकि तीनों ही जो धर्म हैं उनके जन्म स्थान एक तरह से यहीं से माने जाते हैं, इस वजह से विवादित रहती है। तो ये ध्यान में रखना आपको। देखिए, ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है, ये ध्यान में रखना है आपका। इजिप्ट इधर से लगा हुआ है, दक्षिण भारत से, और इधर की साइड आपका, इधर आपका जॉर्डन है, इधर की साइड ये ऊपर, ये सीरिया से लगा हुआ है इजराइल, और ऊपर यहाँ देखिए ये लेबनान है। इनको दिखाऊंगा मैं एक एक करके। और ये देखिए, ये डेड सी जो पड़ता है वो यहीं पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए जॉर्डन है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े थोड़ा सा करके दिखाया है मैंने आपको, जॉर्डन है पूरा। और ये अभी देखा था हमने, इजराइल था ये, और डेड सी ये रहा जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। तो जो डेड सी है वो आपका इजराइल और जॉर्डन के मध्य में पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। और जॉर्डन जो है, जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, आप देख लीजिए क्लियर। तो यही क्वेश्चन आया था IAS में कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, या फिर किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, ऐसे करके आया था। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लियर थोड़ा सा पता हो, और डेड सी को भी देख लीजिए आप, डेड सी जो है इन दोनों के मध्य में है। और जॉर्डन की राजधानी देख रहे हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा, अम्मान है इसकी राजधानी, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। ये देखिए, ये आपका सीरिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर आपका लेबनान है, इधर इजराइल है, नीचे जॉर्डन है ये वाला पूरा। तो इसकी सीमाएं आप देख लीजिए, इराक से मिलती हुई है, टर्की से मिलती है इधर, और इधर लेबनान से, इजराइल से, और आपकी जॉर्डन से। और इसकी राजधानी है दमिश्क, और आपको पता होगा ISIS जो है यहीं पर तबाही मचा रहा है एक तरह से सीरिया में ही, तो इसकी वजह से अशांत क्षेत्र है। ये आपका लेबनान है, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा, इसकी सीमा जो है इजराइल से मिलती है, सीरिया से मिलती है, और तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और इसकी जो सीमा है मेडिटेरियन सी से, यानी भूमध्य सागर से मिलती है। तो भूमध्य सागर से कौन कौन देशों की मिलती है, एक इजराइल की मिलती है और एक लेबनान की मिलती है, और इधर आपकी सीरिया से मिलती है। यहाँ पर देखिए सीरिया की मिल रही है, तो बाई चांस क्वेश्चन आ गया, तो ये इसमें इस वजह से मैंने दिखा दिया है, सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमाएं मिलती हैं भूमध्य सागर से। लेबनान की जो राजधानी है वो है आपकी बेरूत, ध्यान में रखना है। देखिए एक ये महत्वपूर्ण है त्रिपोली, त्रिपोली जो शहर है एक तरह से पोर्ट मान लीजिए इसे, ये भी लेबनान में है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में। और ये पूरी लोकेशन करने के लिए यहाँ पर, ये टर्की है पूरा, मेडिटेरियन सी है ये, और देखिए लेबनान यहाँ है, अभी मैंने बड़ा दिखाया था, लेबनान यहाँ है, और ये लेबनान जो है टर्की से नहीं मिलती है इसकी सीमा, ये ध्यान में रखना है। और ये सीरिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और सीरिया की जो है टर्की से मिलती है। तो ये पूरा आपको दिमाग में एक तरह से विजन बना लीजिए थोड़ा मध्य एशिया के बारे में, क्योंकि अक्सर यहाँ से कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ पड़ोसी देश पूछ सकते हैं या समुद्र से सटे हुए देश पूछ सकते हैं। और वैसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ज्वलंत मुद्दे यहीं से उठते रहते हैं। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो इस ये एक तरह से बारूद का काम कर रहा है, ये मान के चलिए यहाँ से।
और ये आपका बड़े में थोड़ा सा इराक है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इराक है। इसकी राजधानी जो है बगदाद है, और इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये जो टर्की है टर्की से मिलती है, इधर सीरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, सीरिया ये रहा, पूरा सीरिया से मिलती है। इधर देखिए जॉर्डन से भी मिलती है इसकी सीमा, यहाँ से देखिए ये रही, और ये सऊदी अरब से मिलती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुवैत से मिलती है और आपकी ईरान से मिलती है। ऊपर आपकी जो है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर ऊपर जो है टर्की, मैंने बताई दिया ये टर्की से मिलती है यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको लोकेशन अच्छे से दिमाग में छप गई होंगी मुझे लगता है, वैसे बार बार देख लीजिएगा क्योंकि आपके दिमाग में छवि बननी चाहिए, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है थोड़ा मिडिल ईस्ट के बारे में। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी कर सकते हैं चाहें तो। धन्यवाद।